तब होता है जब ऑफर में जो हमारे को काम सौंपे गए हम तरीके से नहीं करते, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं या सुस्त हो जाते हैं। अगर आप में अपने सौंपे हुए जो जिम्मेवारियों को निभाते रहेंगे तो आनंद लेंगे और तनावग्रस्त जीवन नहीं जिएंगे, चाहे वो पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो। सबके जो कर्म है वो डिफाइंड है, तो पिता के नाते क्या करना है, पुत्र होने के नाते क्या करना है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मेरे बच्चे पहले बहुत छोटे थे, अब बड़े हो गए। अब तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, मेरे को भी फादर होने के नाते आने वाले समय की तैयारी करनी है। अब होता क्या, कभी कभी हम बच्चों के साथ अपनी जो जिम्मेवारी को समझते नहीं है, बच्चा बड़ा हो जाता है पर हमारी जो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है वो छोटे बच्चे के लिए रह जाता है और उस गैप में तनाव आता है। तो भविष्य की तैयारी वर्तमान में करें और आने वाले समय में तनावग्रस्त होने के बजाय आनंदमय जीवन जिए। सर, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से तनाव होता है, जैसे मंदी की बात करें, औद्योगों की बात करें, लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि मंदी से वो ग्रस्त हैं। ऐसे में वो कैसे अपने आप को, देखिए हर बिजनेस के लिए मंदी नहीं है। जो तैयारी कर रहा है भविष्य की उसके लिए तो मंदे समय में तो धंधा और आगे चल के बढ़ता ही है, और मंदा जो होता है चंद परसेंटेज का होता है, पूरा का पूरा देश बैठता नहीं है। हाँ, मंदे में क्या सुस्त लोगों की चटाई होती है, चुस्त लोग जो है वो बल्कि और आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 में से लोग सब खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, पर जो खाएंगे वो उनके पास जाएंगे जो तरीके से उनके साथ डील करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मंदा तो अच्छा टाइम है, जो चुस्त लोग होते हैं उनको और अपने आप को बुलंद बनने का मौका मिलता है। आपका परिचय? मेरा नाम है जी विजय बत्रा। मैं पिछले 19 सालों से अपने पिताजी लेट डॉक्टर प्रमोद बत्रा के नक्शे कदम पर चलता आया हूँ, और हमारा काम यही है कि सकारात्मक सोच की तरफ लोगों को उत्साहित करें।